अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। लंबे घने और शाइनी बाल हर किसी का ख्वाब होता है, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम हज़ारों रुपए मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू, कंडीशनर और महंगे तरीन ऑयल्स पर खर्च कर देते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे बालों को वक्ती फ़ायदा तो देते हैं, पर इनमें मौजूद केमिकल्स की वजह से इनको छोड़ते ही हमारे बालों पर इनके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। हमारे बाल पूरी तरह से झड़ना शुरू हो जाते हैं, सर की जल्द को ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से बालों में खुश्की, सिकरी, डैंड्रफ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। पर आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बिल्कुल प्योर होममेड हर्बल ऑयल, जिसको लगाने के साथ ही आपके बाल जो है 3 गुना तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। आपके बालों की जो रूट्स हैं वो मोटी हो जाएंगी, हेल्दी होंगी, आपके बाल झड़ने का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपके बालों से ये खुश्की सिकरी को बिल्कुल ख़त्म करेगी। तो इसको बनाने अब लेंगे हम यहाँ पर खोपरे का तेल, 1 कप कोकोनट ऑयल मैंने लिया है। किसी भी लोहे के बर्तन में आप ले लीजिए, लोहे का बर्तन अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी मोटे तले के बर्तन में आप इस ऑयल को बनाइए। अब इस खोपरे के तेल में मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना जो है हमारे बालों को तेज़ी से उगाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। इससे हमारे बालों की रूट्स जो हैं मोटी होती हैं। ये हमारे बालों में जो डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं हमारी सर की जल्द में, उसको भी ये ख़त्म करता है। इसको हम इस तेल में जला लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। 1 घंटे तक इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता मेथी दाना जो है इस कोकोनट ऑयल में जल जाएगा, तो इसकी तमाम जो खसूसियात हैं वो इस ऑयल में शामिल हो जाएंगी। कोकोनट ऑयल में इस टाइम जो है मेथी दाना 1 घंटे बाद जल चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 1/4 कप प्याज का पानी, यानी प्याज का जूस हमने 1/4 कप इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही आसानी से निकल आता है। कद्दूकस कर लीजिए, प्याज को पीस लीजिए और आराम से ये जूस आप घर पे निकाल सकते हैं। अब इसको प्याज के पानी को ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर ही हम 2 से 3 मिनट इस ऑयल को और पकने देंगे, क्योंकि अगर प्याज का पानी इस ऑयल में कच्चा रह गया तो ये ऑयल हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, ऑयल जल्दी ख़राब हो जाएगा। पर अगर प्याज का पानी यहाँ पे 3 मिनट तक पका लीजिए इसमें, तो इस ऑयल को अब आप ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए आराम से। ये ऑयल जो है आपके बालों पर किसी जादू की तरह असर करेगा। इससे आपके सर की जल्द जो है बहुत नरिश रहेगी। इससे आपके बाल जो है 3 गुना तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। जहाँ से बाल झड़ चुके हैं वहाँ से बाल दोबारा उगना शुरू कर देंगे। ये आपके बालों को शाइनी कर देगा। कोकोनट ऑयल की वजह से आपके बालों से डैंड्रफ जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी और हेल्दी नज़र आएंगे। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप नहाने से पहले, शॉवर लेने से पहले आप 2 घंटे पहले से अपने बालों में लगा लीजिए। नीम गरम ऑयल करके आपको बालों में लगाना है, अच्छी तरह मसाज कीजिए और 2 घंटे बाद आप अपने बाल धो लीजिए। अगर आप सोने से पहले इसको लगा लेते हैं रात में, और सुबह अगर आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। 1 महीने के अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। हफ्ते में 2 बार आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर तो ये रेमेडी आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपकमिंग रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के लिए दुआओं में याद रखिएगा।